क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अधिकतर जो लोग अलग अलग शहरों में काम करते थे वो अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भूखे प्यासे हैं, उनको कोई साधन नहीं मुहैया हो पा रही है, ऐसे में पैदल चलते हुए अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लोगों की मदद के लिए अब स्थानिक लोग सामने आए हैं। प्रतापगढ़ शहर में इस वक्त मौजूद हैं हम। यहाँ देख सकते हैं स्थानिक लोगों के द्वारा, पुलिसकर्मियों के द्वारा पानी की बोतल, पूरी सब्जी दी जा रही है उन लोगों के लिए जो काफ़ी परेशान हैं अपने घरों पर जाने के लिए लेकिन फंसे हुए हैं क्योंकि साधन मौजूद नहीं है। भैया आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ से आ रहे हो, कितने दिन से फंसे थे भूखे प्यासे? गाजियाबाद से आ रहा हूँ। गाजियाबाद से? जी हाँ, कल निकला हूँ। कल निकले? जी हाँ। तो पैदल चलते चलते घर जाएंगे, कहाँ रहते हो आप? यहाँ रहता हूँ, दुर्गागंज बाजार। दुर्गागंज जाना है आपको? रानीगंज दुर्गागंज। तो अभी तो काफ़ी दूर है। जी हाँ। कल से खाना वाना नहीं खाया था आपने? मिला था रास्ते में। रास्ते में मिला? जी हाँ। गाजियाबाद से? गाजियाबाद से। कब निकले? कल निकले। कल निकले थे? रास्ते मिल नहीं पाया था खाना? मिला था खाना। मिला था? ये काफ़ी मदद करेगा आपको पूरी सब्जी? बहुत मदद करेगा। सहयोगी धर्मेंद्र श्रीवास्तव के साथ दीपक दुबे, News24 प्रताप। 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान जो आम लोग हैं जो अलग अलग शहरों में काम करते थे वो अब जब अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं तो कई दिनों से वो रास्ते में फंसे हुए हैं। ऐसे में अधिकतर लोग जो हैं भूखे प्यासे हैं, उनकी मदद के लिए आम लोग, पुलिसकर्मी सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ शहर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आम लोग हैं, इनमें से ये शख्स जो हैं वहाँ से, ये डॉक्टर हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, ये सभी जो लोग हैं व्यापारी गण भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। ये सभी लोगों को खाना पानी दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कितने दिनों से आप मदद कर रहे हैं और किस तरह के लोग सामने आ रहे हैं, कितने दिनों से भूखे प्यासे हैं, जब उनसे आप बात करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग? जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर शमीम, मैंने ये देखा कि हॉस्पिटल में भी कई दिनों से भूखे मरीज के साथ साथ भी लोग थे जिनको खाना नहीं पहुँच पा रहा था। तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम उनको अपना तैयारी करके भोजन का व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें, क्योंकि जो ये आपदा है, जो कोरोना वायरस है जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें बहुत लोग को खाने पीने के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है। देख सकते हैं इनके हाथ में एक पैकेट है जिसमें पूड़ी और सब्जी है। ये पूड़ी सब्जी उन लोगों को दी जा रही है जो भूखे प्यासे हैं, अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं लेकिन कई दिनों से फंसे हुए हैं। सहयोगी धर्मेंद्र श्रीवास्तव के साथ दीपक दुबे, News24 प्रतापगढ़।